माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कई दिन बाद मेरे ख्याल से आज जो है ना हम एक्सरसाइज से 18.4 स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ गैप आए बीच में, ठीक है। तो खैर बात, तो 18.4 में क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम दरअसल करेंगे क्या, एक चीज को प्रूफ करके दिखाएंगे जी। तो एक चीज हम प्रूफ करेंगे, वो चीज यही क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन को प्रूफ करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ इफ एक्स रेशियो वाई इज इक्वल टू जेड रेशियो डब्ल्यू, देन प्रूफ दैट दिस, यू हैव टू प्रूफ द क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको प्रूफ करेंगे, इसी क्वेश्चन को ही प्रूफ करके आपको दिखाएंगे। तो वो आगे भी बिगाड़ रहा है थोड़ा सा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखें इसका सॉल्यूशन ए आपके पास अगर देखे तो क्या है, एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू जेड रेशो डेट। अगर मैं इसी को फैशन की सूरत में लिखूं तो क्या ऐसा नहीं होगा? हम क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू प्रूव दिस क्वेश्चन। वी शुड हैव our answer like what, like this question, we are going to prove this question as our answer. Are you getting my point? हम इसी क्वेश्चन को as answer प्रूफ करने जा रहे हैं। बड़ी बात है ना सर, ये सब कैसे होगा? क्वेश्चन को ही आंसर प्रूफ कैसे करेंगे आप? यानी क्वेश्चन जो आप यहाँ पर नजर आ रहा है ना, यही आपका आंसर होना चाहिए, कहने का मतलब ये। तो आप ये कैसे होगा, आइए मैं आपको समझाता हूँ। इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, ऊपर क्या नजर आ रहा है, एक्स के साथ क्या नजर आ रहा है, एक्स के साथ, और आपको वाई के साथ क्या नजर आ रहा है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 4/3 विद x/y। तो आप यहां पे कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 4/3 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। हमने अब क्या करना है, हमने 4/3 को इक्वेशन के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं हमारे पास क्या बनता है, गौर से देखिएगा इधर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें ना तो हमारे पास क्या बनेगा, गौर से देखें। इसके साथ जब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4x, ठीक है। अब नीचे y के साथ क्या आएगा, 3y, यही कहा है ना, x के साथ 4 मल्टीप्लाई होके 4x, y के साथ 3 मल्टीप्लाई होके 3y, ये ऊपर आ गया इज इक्वल टू। अब तो ये 4/3 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, समझ में आ रहा है? तो z/w 4z से मल्टीप्लाई होके 4z आएगा, डिनोमिनेटर में क्या है 3w से मल्टीप्लाई होके 3w आएगा, मसला तो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे हम एक थ्योरम यूज करेंगे, उस थ्योरम का क्या नाम है, कंपोनेंट ऑफ डिवाइडेड ऑफ थ्योरम, ठीक है। अब बाय यूजिंग कंपोनेंट ऑफ डिवाइडेड ऑफ थ्योरम, कंपोनेंट ऑफ डिवाइडेड ऑफ थ्योरम क्या कहता है, कहता है कि a प्लस बी रेशो, ठीक है, a माइनस बी इज इक्वल टू, कंपोनेंट डिवाइडेड ऑफ थ्योरम क्या, a प्लस बी रेशो a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस d रेशो c माइनस। समझ में आया, ये समझ में आया? अब अगर इसको फ्रैक्शन में हम लिखें तो a प्लस बी ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस d ओवर c माइनस बी, ऐसा ही होगा कंपोनेंट डिवाइडेड ऑफ। अब यहां पे हमने क्या देखना है, यहां पे a की जगह पे क्या है 4, b की जगह पे क्या है 3, ये a की जगह पे है, ये b, ये किसकी जगह पे है
सी और ये किसकी क्या कहते हैं डी। अब जहां जहां ए नजर आएंगे आपको वहां वहां फोर स्कूल करेंगे, जहां जहां आपको बी नजर आएंगे वहां वहां थ्री वाई, जहां जहां सी नजर आएंगे वहां फोर जेड, और जहां जहां डी नजर आएंगे वहां थ्री डब्ल्यू। आपका जो क्वेश्चन है वो प्रूफ हो जाएगा। ए की जगह पे क्या है फोर एक्स प्लस बी की जगह पे क्या है थ्री वाई, और ए की जगह पे क्या है फोर एक्स माइनस बी की जगह पे क्या है थ्री वाई इज इक्वल टू सी की जगह पे क्या है फोर जेड प्लस डी की जगह पे क्या है थ्री डब्ल्यू, और सी की जगह पे क्या है फोर जेड, ठीक है। अच्छा माइनस डी की जगह पे क्या है थ्री डब्ल्यू। अब अगर आप क्वेश्चन देखें तो फोर एक्स थ्री वाई फोर एक्स माइनस थ्री वन, फोर एक्स थ्री वाई फोर एक्स माइनस थ्री वन इज इक्वल टू फोर जेड प्लस थ्री डब्ल्यू फोर जेड माइनस थ्री डब्ल्यू। तो यही हम क्वेश्चन को प्रूव करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने प्रूव कर लिया। तो यहाँ लिखे हेंस, मसला तो नहीं हुआ कोई क्वेश्चन, समझ में आ रही बात है। तो ये नोट डाउन करें फिर हम क्वेश्चन होगी। अच्छा जी, इसके बाद आप यहाँ देखें ना, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप इस करेंगे तो इसमें भी हमारे पास क्वेश्चन यही रहेगा, क्वेश्चन यही है इसके लिए, लेकिन प्रूफ इसका ये करना बस जस्ट एक्स और वाई के साथ जो कॉन्स्टेंट नंबर है वो डिफरेंट है, बाकी सारे प्रोसेस सारी चीजें सारे मेथड सेम है। तो कैसे देखो क्वेश्चन यही है कि एक्स रेशो वाई टू जेड रेशो डब्ल्यू देन प्रूफ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें सॉल्यूशन लिखना चाहिए यहाँ पे। फिर हमारे पास क्या है एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू जेड रेशो डब्ल्यू, है ना। फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू जेड ओवर डब्ल्यू। अब यहाँ देखिए आप एक्स के साथ क्या है फाइव, वाई के साथ क्या है थ्री, तो हमें एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई करना होगा फाइव, वाई के साथ थ्री, तो फाइव ओवर थ्री दोनों साइड पे आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मल्टीप्लाइंग फाइव ओवर थ्री ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, तो क्या होगा ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी फाइव एक्स के साथ फाइव एक्स और थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव जेड और थ्री डब्ल्यू। अब अगला स्टेप क्या करेंगे बाय यूजिंग हाँ कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है। कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो क्या है कंपोनेंटो डिविडेंडो, आपको पता है कि ए प्लस बी रेशो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशो सी माइनस डी, ये कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम है। अब हम इसको फ्रैक्शन में लिखे तो क्या होगा कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी और सी माइनस डी। अच्छा यहाँ पे जो कंपोनेंटो डिवाइडेंडो जैसे कंपोनेंटो डिवाइडेंडो के ना दो थ्योरम्स हैं, कितने थ्योरम्स हैं दो थ्योरम्स, एक ये है ये वाले थ्योरम मैंने ऊपर देखा तो ऊपर इस क्वेश्चन के लिए नहीं लग रहा, दो थ्योरम याद है। दूसरा क्या है पहला वाला माइनस है, इनके दरमियान माइनस आएगा यहाँ पर प्लस आएगा, इसी तरह यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस सेकेंड वाला प्लस, दो थ्योरम है कंपोनेंटो डिवाइडेंडो। एक अभी जो मैंने पहले लिखा लेकिन यहाँ पे मैंने जब चेक किया तो ये वाला नहीं लग रहा पहला वाला थ्योरम, तो दो थ्योरम है याद है। तो अब दूसरा थ्योरम लगेगा यहाँ पे, आप दूसरे थ्योरम में हम क्या करेंगे फाइव एक्स को ए कंसिडर करेंगे थ्री वाई तो बी कंसिडर करेंगे फाइव जेड, जेड में थोड़ा सही से लिखता हूँ ताकि आप इसको 52 ला सकें, फाइव जेड इसको आप सी कंसिडर करेंगे और इसको आप डी। अब उसी के तहत आप लिखना स्टार्ट करें, देखें ए क्या है फाइव एक्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है
यहाँ पे क्या है, अच्छा इसको भी नीचे वाले को भी चेंज कर देना जिसका ऊपर चेंज किया है। यहाँ पे क्या आएगा माइनस, इधर क्या आएगा प्लस, अच्छा सी माइनस डी ऊपर क्या आएगा माइनस और नीचे क्या आएगा प्लस। क्लियर है? यानी दो थ्योरम होते हैं याद रखो कॉम्पिटेटिव डिवाइडेंड होके, अगर यहाँ प्लस आ जाए यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, और अगर यहाँ पे आपके पास क्या आ जाए, यहाँ अगर आपके पास माइनस आ जाए तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, ठीक है, और रेस्पेक्टिवली यहाँ भी आप लिखेंगे। तो अब 5x माइनस बी की जगह पे आप क्या लिखेंगे 3y, और a की जगह पे 5x प्लस b की जगह पे 3y, ये इक्वल होगा c की जगह पे 5z, 5z माइनस d की जगह पे 3w, और c की जगह पे क्या लिखेंगे आप 5z प्लस d की जगह पे 3w। अब अगर आप हमारे आंसरों को क्वेश्चन के साथ कंपेयर करें तो आपको क्या नजर आ रहे हैं, तो आपको क्या नजर आ रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y, 5x प्लस 3y, 5x इक्वल टू 5z माइनस 3w एंड 5z प्लस 3w। अब हमारे पास क्या हो गए हैं प्रूफ, तो ये भी हमारे पास क्या हुआ भाई प्रूफ हो गया, ठीक है। एनी क्वेश्चन? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है, वो इस वजह से बाकी क्वेश्चंस के अंदर अगर आप देखते हैं ना तो आपको एक्स और वाई के सामने कोई ना कोई नंबर नजर आ जाते हैं। बात को रिपीट कर रहा हूँ तवज्जो इधर रखिएगा, बाकी जो क्वेश्चन से पहले जो दो क्वेश्चन हमने कराए उसमें जब हमने देखा तो हमें एक्स और वाई के सामने कोई नंबर नजर आते थे, उसी को देख के हम क्या करते थे, उसी को देख के हम एक्स और वाई के साथ कोई ना कोई चीज यहाँ से देख के वही चीज मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्यों, आप इस सिचुएशन में आप क्या करिए, देखिए वही आप एस सॉल्यूशन देखिए इसका, एस हमारे पास एक्स रेशो वाई किसके बराबर है जेड रेशो, इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स अवर वाई इज इक्वल टू जेड अवर डब्ल्यू, ऐसा ही है। अब दूसरी बात, अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर हम मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, हमें एक्स के ऊपर क्यूब ना लगा रहे हैं, हम दोनों साइड से क्या करेंगे क्यूब ले लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, जब दोनों साइड पे क्यूब लेते हैं तो हमारे पास इसकी शक्ल कुछ यूं बन जाती है। देखो दोनों साइड का हमने क्या ले लिया क्यूब ले लिया, ठीक है। अब जब क्यूब ले लिया तो हमारे पास अब क्या होगा एक्स क्यूब अवर नीचे वाई क्यूब इज इक्वल टू जेड क्यूब अवर डब्ल्यू क्यूब, जितने अब हम क्या करेंगे यहां पे, हम क्या करेंगे यहां पे, हम यूज करेंगे कंपोनेंट वाली बात, ठीक है भाई, यूजिंग By using component of dividend of theorem. अच्छा अब देखो कौन सा वाला theorem आएगा आपके पास, क्योंकि हम जानते हैं हाँ a plus b ratio a minus b is equal to c, यहाँ पे देखेंगे b पहला वाला, अरे यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस देखिए c plus b ratio c minus इसलिए। अच्छा आप इसको फ्रैक्शन में लिखें तो a प्लस बी अवर ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस बी अवर सी माइनस बी, क्लियर है। अब ये हमारे पास a की जगह पे है, ये हमारे पास b की जगह पे है, ये हमारे पास c की जगह पे है, ये हमारे पास d की जगह पे, a की जगह पे क्या लिखेंगे आप, a की जगह पे क्या लिखेंगे बताएं, एक्स क्यूब बीच में प्लस बी की जगह पे वाई क्यूब, और ए की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू सी की जगह पे क्या लिखेंगे जेड क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब और जेड क्यूब माइनस डब्ल्यू क्यूब,
अब आप क्वेश्चन के साथ इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली कि हमारे पास जो क्वेश्चन है ठीक है वही हमारे पास किस में आया, एज आंसर के तौर पर आया। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ यही आंसर तो हमारे पास क्या हुआ, प्रूफ हो गया। डियर स्टूडेंट्स इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन दो पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।